कहते हैं ना सपना पूरा होना, तो भाई आज सपना पूरा हो गया। मैंने एक सपना देखा था कि भाई केदारनाथ जाऊंगा, कभी कभी जाऊंगा, तो वो दिन आज ही था, भोलेनाथ ने आज ही लिखा था। तो गाइस मंदिर चेक करो, गाइज वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आए हो सब बढ़िया होंगे। गाइज आज हम जा रहे हैं केदारनाथ गौरीकुंड से, और काफ़ी आने वाला है मज़ा, तो ब्लॉग में बने रहिए। और ये देखिए, ये भी एक मंदिर, ये भी है, काफ़ी भीड़ भी है। मंदिर काफ़ी अच्छा है। और अभी हम जा रहे हैं कुंड में, गौरीकुंड में नहाने, वहाँ की पानी गर्म रहता है, तो उधर अभी नहाएंगे, वहाँ से जाके केदारनाथ के लिए निकलेंगे। जय बोलेगी, और अभी चलते हैं कुंड में। तो गाइस ये है यहाँ का मैरिन ड्राइव, यहाँ पे लोग घूमते हैं। चेक दिस आउट, ये देखो, और ये नीचे बह रही है गंगा जी। और अभी हम आगे जा रहे हैं कुंड में, और कुंड में आने वाला काफ़ी मज़ा, वहाँ रहते पानी गर्म, और उधर हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो अभी चलते हैं कुंड की तरफ। भाई चेक करो कितनी भीड़ है कुंड में, रात को नहीं थी इतनी भीड़ इधर, हम कल ही चेक किया कि यहाँ कुंड भी है, तो देख सकते हैं इधर नहा रहे हैं लोग, इधर ही रहते गर्म पानी। आ गए हम कुंड में, पानी देख सकते हैं आप कितना गर्म है, भाप आ रही है पानी से, आप आ रही है पूरे पानी से। और पानी में कोई हीटर वाइटर ना, गीजर कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन पानी गर्म है। गाइस अभी मिल गया बोतल नहाने के लिए, और भयंकर गर्म पानी है भाई, भयंकर गाइस। जय श्री राम, जय बोले राम। देख सकते हैं वो। तो भाई निकल गए हैं केदारनाथ के लिए, जय श्री केदार। और थक लग गई है, पर कोई नहीं, भोले बाबा ले जाएंगे। तो देखिए लोग घोड़े से भी जा रहे हैं, कोई तो इसमें बैठ के जा रहा है सीट में, पर हम अपने पैरों से चलेंगे। और हमने स्टिक भी नहीं लिया, सबसे बड़ी बात, बिना स्टिक के चढ़ने कोई दिक्कत नहीं, चढ़ेंगे। भाई पता नहीं कितने ऊपर जाना है, अभी थक लगने लग गई है, हवा निकलने लगी है अभी, हवा चलने के लिए रेडी है ना बिल्कुल। तो गाइस अभी चलते हैं। गाइस तो अभी हो चुकी है कड़क धूप, और अब और ज़्यादा थक लग रही है, और पसीना भी आ रहा है, मतलब भोले बाबा हमारी बहुत कठिन कठिन परीक्षा ले रहा है, पर कोई नहीं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय शिव शंकर। ये देखे गाइस कैलाश पर्वत, देख सकते हैं। और अभी हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं, चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, लेकिन अभी ज़्यादा थक नहीं लग रही, आगे लगेगी, कोई टेंशन नहीं, आगे लगेगी थक अभी। तो अभी चलते हैं गाइस। इधर खाने की व्यवस्था भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खा भी सकते हैं डबल रेट में, 10 की चीज़ 30 में। तो देखिए आइए इधर, तो आइए देखो, इनको कैसे भगाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये भोले ना ठंडा कर दो थोड़ा, बहुत ज़्यादा धूप हो रही भाई, बहुत ज़्यादा। गाइस अभी हमें रैंडमली पता चला कि केदारनाथ में पड़ी हुई है बर्फ। गाइस देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, जाने दे यार, जाने की जगह नहीं मिल रही इधर, और घोड़े घोड़े दिखाई दे रहे हैं, इंसान भी चलने की बस की तो है नहीं, घोड़ों पे जाने के लिए बनते हैं हीरो। भाई दम है तो पैदल चलो ना भाई, घोड़े भगा जल्दी आते भाई, कौन कह रहा सीजन बंद है, कौन कह रहा सीजन बंद है, तो भयंकर भीड़ हो रही। अभी आगे चलते हैं,
भाई लैंड स्लाइडिंग होने के बावजूद रोड टूट गई है ये देखो, तो इसी टूटी रोड से जाना पड़ रहा और भीड़ भी है, घोड़े जाने भी नहीं दे रहे इधर, देख सकते हैं आप। भोलेनाथ की कृपा से जाएंगे, जय भोलेनाथ। अभी बढ़ते हैं आगे, थक लगी बहुत ज़्यादा। भाई जो ज़्यादा बीमार है वो हेलीकॉप्टर में जा रहा है, देखो साले को बम से उड़ा दूंगा ये एक बार हाथ में आ जाए तो। देखो लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है, देख सकते हैं आप। अभी हम यहाँ से आ रहे हैं तो गाइस यहाँ का मौसम चेक करो, अभी थोड़ी देर पहले धूप हो रही थी, फिर थोड़ा छांव हुई, अब बारिश का मूड बनने लग गया। ये देखो, देख सकते हो आप, तो मतलब फुल तैयारी के साथ आना पड़ता है इधर, रेनकोट वगैरह सब लेके। ऐसे नहीं कि धूप है तो भाई वहाँ भी धूप ही होगी, धूप नहीं है यहाँ मतलब मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। तो भाई केदारनाथ कमिंग सून, 4 किलोमीटर बच रखा बस अपनी। भाई मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँचने वाले हैं, होगा कम से कम 1-1.5 किलोमीटर, तो यहाँ तक आ गए तो वहाँ तक भी जाएंगे। तो अभी देखिए कितने घोड़े हैं इधर, क्या कर सकते हैं आप। बस अब पहुँच के पहुँचते हैं जल्दी, बस पहुँचना है, स्वर्ग देखना है। गाइस मंजिल बहुत ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा, 1.5 किलोमीटर, चेक करिए भाई। बस यही हो रहा है, 1-2 1-2 परफेक्ट, कोई नहीं बता रहा कि कितना है। चल चल के होगी हालत ख़राब, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है खड़ी, बस हालत ख़राब हो गई अब तो, चलते हैं भाई। स्मोक लग गई एकदम कोरा ही कोरा, वाइट हो गया पूरा मामला है। नीचे देखिए भाई, स्वर्ग की सीढ़ी होने वाली है पार, और आने वाला है स्वर्ग। तो भाई पहुंच ही गए मंजिल में, मतलब क्या ही बोलें, 200 मीटर ही बच रखा होगा आप, तो मतलब पहुंचने वाले हैं हम। और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा खुशी भाई, 230 किलोमीटर हमने पैदल चले ऋषिकेश से, एकदम पैदल विदाउट एनी लिफ्ट भाई, एक भी लिफ्ट नहीं ली अभी तक, और पैदल चले जा रहे हैं। और इधर बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा, तो जैकेट जुकेट लेके आओ, जो भी आना चाहता है आओ और मज़े लो। अभी मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ, खुद भी करता हूँ, मैंने कौन सी पहले देख रखा है। अभी चलते हैं आगे, ये एंट्री पॉइंट यहाँ से, और व्यू चेक कर सकते हैं आप भाई, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा। गाइस ये चेक करो, ये रहा बस, अब जाके दिखाते हैं आपको उधर। गाइस स्वर्ग देखोगे, स्वर्ग सच में स्वर्ग यार, क्या ही बोलूं, कितना मस्त व्यू है यहाँ से। तो गाइस आखिरकार केदारनाथ के दर्शन हो ही गए, मतलब कहते हैं ना सपना पूरा होना, तो भाई आज सपना पूरा हो गया। मैंने एक सपना देखा था कि भाई केदारनाथ जाऊंगा कभी कभी जाऊंगा, तो वो दिन आज ही था, भोलेनाथ ने आज ही लिखा था। तो गाइस इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।